लास्ट टू वंस टू लास्ट टू बस नहीं ये भी उतार दो दिस वाज वन ऑफ देम एंड आई डिडंट आई जेन्युइनली डिडंट अंडरस्टैंड क्योंकि सारे आई मीन ये भी उतार दो मतलब इसके पहले कुछ उतारना था ना अगर अगर रिया कपूर बोलेगी तो वो भी उतार दो माइक ऑन नहीं था एक और बोर हो जाए सब लोग रिवाइंड आप फिर से करो हम फिर से रिया करें मैंने कहा अगर ओ तेरी अगर रिया कपूर बोलेंगे तो हम वो भी उतार देंगे क्योंकि हम स्टाइलिंग के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम इंटरनेशनल डिजाइनर डाल रहे हैं उससे बड़ी क्या चीज हो सकती इनको तरसते थे आज इंटरनेशनल डिजाइनर हमारी पोस्ट कर रहे हैं उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हो गया हो गया इतने फोटो ले रहे हो गाइस नो नो दैट्स टू मच देन पीपल एक्सपेक्ट मैं मूवी में हूँ एंड ऑल आई डोंट वांट टू सेट रॉन्ग स्टैंड मेरे सवाल जवाब के बाद ले लेना सोलो सोलो ही है थैंक यू सो मच गाइस सब लोग आराम से बैठ गए हैं एवरीबॉडी सेटल डाउन देयर आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क देम वाओ क्रेजी 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 केओस हाँ ना या गुड आई स्टार्ट या वन ताली इफ आई डू इफ आई गेट सो दैट या ओके कूल या हेलो हाय कास्टम थैंक यू फॉर कमिंग वाओ हाय कंग्रेचुलेशंस द मूवी वीक इज नेक्स्ट वीक राइट गाइस आर यू एक्साइटेड सबके पास माइक्स हैं एक माइक है ओके कूल सो यू गाइस कीप दैट एंड आई विल गिव इट टू देम यू नो सो दैट दैट बी इजियर सी यू कांट हियर सर क्या हम खड़े हो जाएं सर खड़े हो जाएंगे तो फिर सर ये वाला डिसीजन मैं नहीं ले सकती सर ये मेरे पे स्केल के बाहर है सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आई हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कुछ ट्रोल कॉमेंट्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपके ट्रेलर पर मिला है एंड आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट रिएक्शन टू इट ऑनेस्टली बिकॉज आई फील लाइक इफ यू आर ऑनलाइन स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल ऑनलाइन ट्रोल्स इज अ वे ऑफ सेइंग कि आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हो है ना अगर आप गाली गलौज मिल रहा है तभी तो आगे कि अब लाइमलाइट पे आ गए हम लोग व्हाट हैपेंड टेल मी ओके कूल गाइज आई कांट स्टार्ट वी हैव टू वेट फॉर वन मिनट बिकॉज यू गाइज आर गेटिंग हायर चेयर्स अभिषेक मेरी फोटो मत लेना कोई काम की नहीं हूं मैं रिया कपूर सॉरी अभिषेक सॉरी ये सारे के सारे हॉस्टल लौंडे तुझे छोड़ ही नहीं रहे यार ग्रेट गुड गुड टू गो आई वॉज टेलिंग एवरीबडी कि इनके रुको ना सुनो ना खत्म हो सुनो ना सब इनके पोस्टर्स निकले थे और जब ट्रेलर निकला था यू गाइज गॉट अ लॉट ऑफ ट्रोल कॉमेंट्स एंड आई वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन दैट ओनली आई नोटेड डाउन मोस्ट फेमस वंस एंड आई वॉन्ट टू टेल आई जस्ट वॉन्ट योर honest reaction to it or actually be like listen tension mat lo aa jao because some of them are honestly very scared yeah the first jo pehli jab when your movie poster released the first comment that came was I am shy I don't know and it was shai I am shy and her name was not shyna so I was genuinely like okay cool she's shy so then she came to your another poster this that everywhere she's like but I am shy So I feel like she wants to say कि उसको देखना है but she's shy. So what would you tell her कि वो देखे ये movie if you guys one of you? यार it's very long. I know you're shy but once you come watch the film you will realize you don't have a reason to be shy because you know having a desire or sexual desire is okay and you should own up to it. You know just like all of us are owning up to it. And the best thing about this film is that बहुत हंसोगे यार आप It is so funny and I'm not saying it's so funny because I think it's funny alone. I think like a lot of people have seen the film and they've laughed. और जब हंसते हंसते आप कुछ समझा देते हो ना तो वो हंसी हंसी में आपकी shyness भी निकल जाएगी. That's
true. हमने हंसते हंसते समझा, देखो हमने क्या क्या बातें कर लिया आज हंसते हंसते. या है ना, दैट इज ट्रू. हमने हंसते हंसते श्रेयस को समझा तो दिया बहुत कुछ, है ना, आज. और विनोद जी को भी. वाह विनोद जी बेचारे. एक दिस इज अ यू नो इफ वन ऑफ द सोशल मीडिया गैल्स ऑफ माइन, ये काफी था दैट यू गाइस हैव पुट थैंक यू फॉर कमिंग COMING, करेक्ट. एंड एक कमेंट था कमिंग COMMING की सेपलिंग रॉन्ग है. और आई थिंक वो जानबूझ के करना चाहता था कि मैं बता दूं तुम लोगों को गलत स्पेलिंग. और उसने कमिंग की सेपलिंग, मुझे सपोला ही लगा वैसे वो थोड़ा सा. सो इफ सम कमेंट्स टू हिम, लाइक कुछ थॉट्स आप उन्हें देना चाहेंगे. वेल पिक्चर देखने आ जाओ, स्पेलिंग सारी हम सिखा देंगे. स्पेलिंग सैपलिंग सिबलिंग सब मिल जाएगा. सबके साथ आना यार. जब आप पिक्चर देखें तो कमिंग की स्पेलिंग ठीक ही रखें आप पिक्चर देखते हुए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. ऑल्दो लाइफ में वो वाली कमिंग भी. थैंक यू फॉर दैट आल्सो. Yeah, that's nice. Maybe okay. We all come when we have to. Correct. Yeah. Now this is very common, and I think this is also very irritating. कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए #shame. Nice. ये eye roll एक gif हो जाए बस भूमि. It was beautiful. Because I mean I think it's time हो गया ना अभी time कितना ही चले गए shame कब से हो गया? नहीं मतलब हर चीज के लिए तो we should feel shameful or sorry. कुछ भी कर लो, कुछ anything you should be like oh my god shame on you. शर्म नहीं आती क्या हमारा ये हमारा वो. देखो हमारी फिल्म आप पहले जाके देखो और आप रियलाइज करो कि इसमें शर्म आने वाली कोई बात ही नहीं है. शेम ऑन यू फॉर मेकिंग अस फील अशेम्ड. आई ऑल्सो फील हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए. हम चांद तक पहुँच गए, उसके साउथ एंड तक पहुँच गए, पर हमें बिस्तर में अभी भी चांद सितारे नहीं दिख रहे हैं. पहुँचा दो यार, वहाँ भी पहुँचा दो, लैंड करा दो यार. Next comment pe jaye. Anyone else wants to say anything? Idiot people. He is my favorite. This guy is favorite. Ye har jagah aapko idiot people bulane to aa jata hai. Idiot people. How can someone follow this? Full stop. Wo har video pe aaya. Anything you want to say to him? I'll show you how to follow this. Go book your ticket on the 6th of October. That's how you follow this. और यार मुझे एक बात बोलो, ठीक है. मैंने ना इस जोन की पिक्चरें पहले भी की है, ठीक है, लेकिन उसमें एक हीरो था जैसे शुभमंगल सावधान फॉर एग्जाम्पल. वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में थी, वो भी लाइक सेक्शुअल डिजायर के बारे में थी, बट दैट टाइम किसी को शर्म नहीं आ रही थी. तो वैसे ही ये सेम है, हंसी आई थी ना आप सबको, इतना मजा आया था, फैमिलीज भर भर के जाके फिल्म देख रहे थे. ये वही फिल्म है ना. इसमें हम बस 5 हीरोज हैं, है ना. आपको बहुत सारा मसाला, मजा, कॉमेडी, हंसी और एक बहुत ही मतलब ऐसे दमदार परफॉर्मेंस मिलेगी. तो ये लड़का लड़की ये सब भूल के बस आके पिक्चर देखो. या दे नीड टू स्टार्ट बीइंग इडियट पीपल. दे आर इडियट. दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स व्हाट इट इज. ओह ये गाइस मेरे साथ खड़ी हैं. दिस इज माय फेवरेट. सॉरी. Yeah. So last two. बस नहीं ये भी उतार दो. This was one of them. And I genuinely didn't understand. क्योंकि सारे I mean ये भी उतार दो मतलब इसके पहले कुछ उतारना था ना. अगर रिया कपूर बोलेगी तो वो भी उतार दो. एक मिनट माइक ऑन नहीं था. एक और बोर हो जाए. सब लोग रिवाइंड. आप फिर से करो. हम फिर से रिया करें. मैंने कहा अगर ओ तेरी अगर रिया कपूर बोलेंगे तो हम वो भी उतार देंगे. क्योंकि हम स्टाइलिंग के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. हम इंटरनेशनल डिजाइनर डाल रहे हैं, उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है. इनको तरसते थे, आज इंटरनेशनल डिजाइनर हमारी पोस्ट कर रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है गाइस. I don't want to end on a troll comment. I want to end on something very positive, very sweet. This was a slightly younger girl who said thank you so much for making this movie, and she also mentioned that all 5 of you are superstars like hum punch. Yeah. So I just wanted to say, मैं end नहीं करना चाहती negative में,
So you guys are doing something wonderful, and it's going to be an entertaining movie. So congratulations. Yeah, I posted that comment from my fake account. बस एक एक पॉजिटिव कमेंट हो जाए अपने ही ट्रेलर को. इफ यू गाइस कैन एंड ऑन दैट, इफ यू वर कमेंटिंग फॉर योर ट्रेलर, व्हाट वुड यू स्टार्ट विद? मच नीडेड, थैंक यू फॉर गिविंग इट. आई एम वेरी बेसिक, सो आई विल जस्ट बी लाइक, यस क्वींस, फाइनली. आई थिंक आई विल बी लाइक, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ. I think it is such a shame. It is shame कि ये movie अभी तक बनी क्यों नहीं. We needed this film. We needed the women and we needed the female writers and we needed this film. So shameful कि ये movie पहले क्यों नहीं बनी. So thank you for coming. 6th October, please आइए, tickets खरीदे. Thank you. मैं तो ये बोलूँगी इसका part 2 जल्दी shoot कर. Thank you for coming. 2. I just want to say, everybody, thanks for coming to the event. I hope you had fun. I hope you laughed. I hope you know it's all in a joke. And I'm just really excited for everybody to watch this, to enjoy it. I want girls and boys to go into the movie and forget all of their problems, all of their shame, all of their stress, all of their, you know, all of their issues, and just let it go and come back a happier person. So thank you for coming.